हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के, और उसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है। आज हम शुरू करेंगे रिलीजियस मूवमेंट से, जिनका टाइम पीरियड था 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक का। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स आए थे, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, और ये सारे के सारे मूवमेंट्स आए थे पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन और एज ऑफ बुद्धा। इन रिलीजियस मूवमेंट्स के आने के कारण क्या थे? इनके कारण थे, एक तो जो वैदिक फिलॉसफी थी उसकी ओरिजिनल प्योरिटी ख़त्म हो रही थी। इस टाइम पीरियड में जो वैदिक रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। उसमें बहुत सारे सुपरस्टिशंस आ गए थे, डोगमाज आ गए थे, रिचुअल्स आ गए थे, तो उसके चलते हुए रिलीजियस मूवमेंट्स थोड़ा आगे आए, अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट्स। थर्ड इसका रीज़न था कि जो ब्राह्मणास थे वो सुप्रीम माने जाते थे सोसाइटी में, जिसके चलते हुए सोसाइटी में अनरेस्ट आना शुरू हो गया था। जो क्षत्रियास थे वो उनके अगेंस्ट रिएक्ट करते थे, वो बोलते थे कि ब्राह्मणा जो है वही डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं डोमिनेट कर रहे, सबको इक्वल होना चाहिए। तो इसके चलते हुए भी बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स इंडिया में आए। फोर्थ रीज़न था कि ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आनी शुरू हो गई थी। फिफ्थ रीज़न था जो वैश्यास थे, वैश्यास चाहते थे कि उनकी सोशल पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव हो। क्यों? क्योंकि जो वैश्यास थे उस टाइम पे उनको अनटचेबल माना जाता था, वो गांव से बाहर रहते थे, तो इसलिए वैश्यास की इच्छा क्या थी कि उनको जो सोसाइटी में उनकी पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव हो, इकोनॉमिक पोजीशन उनकी थोड़ी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि ट्रेड भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ट्रेड बढ़ रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें इतना दबाकर क्यों रखा जाता है, हमारी भी सोशल पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये इनके चलते हुए अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट आए थे। इसमें से सबसे पहला रिलीजियस और सबसे फेमस रिलीजियस मूवमेंट कौन सा था? वो था बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का जो फाउंडर था वो थे गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था? विशाखा पूर्णिमा के दिन लुबिनीवाना कहाँ पड़ता है? ये प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है। शाक्य क्षत्रिय क्लैन में इनका बर्थ हुआ था। इनके फादर का नाम था शुद्धोधना, जो कि कपिलवस्तु के किंग थे। मदर का नाम था महामाया, जो कि कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। इनकी मदर की जल्द ही डेथ हो गई थी, जब इनका बर्थ हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इसलिए इनको जो इनका पालन पोषण किया था वो किया था इनकी स्टेप मदर ने, मतलब कि इसकी मदर की ही जो सिस्टर थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, मतलब कि इनकी जो मासी थी उन्होंने इनको पाला था। तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इसके फादर जो इनके फादर थे उन्होंने इनकी जल्दी ही शादी कर दी थी। कब, किसके साथ शादी हुई थी? इनके यशोधरा के साथ, जो कि शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। उसके बाद इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा राहुल। फिर इन्होंने चार चीज़ें देखी, फोर साइट्स ऐसी थी जिनको देखने के बाद इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, इनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। वो फोर साइट्स कौन से थे? एक तो था ओल्ड मैन, डिजीज्ड पर्सन, डेड बॉडी एंड एसेटिक। चार चीज़ें देखी थी, ये इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कौन कौन से फोर साइट थे? ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी देखा, दूसरा एक बीमार आदमी देखा, तीसरा एक डेड बॉडी देखी, मरा हुआ आदमी देखा, चौथा एक साधु देखा। ये चार चीज़ें देखने के बाद इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर क्या किया इन्होंने? महाविनिष्कर्मा, कुछ अच्छा करने के लिए घर से निकल गए, एक वांडरिंग एस्टिक बन गए, एक घूमते फिरते साधु बन गए थे। इनके जो फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था अलारा कलाम, उनसे इन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी थी। दूसरे इनके टीचर थे उद्रक का रामपुत्र। 35 इयर्स की एज में इन्होंने 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन किया था, एक पीपल ट्री के नीचे बैठकर। कहाँ पे? बोधगया में रिवर निरंजना के किनारे पे बैठकर इन्होंने 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन किया, जिसके बाद इनको इनलाइटनमेंट अटेन हुई, जिसको बोलते हैं निर्वाणा अटेन किया। उसके बाद ये फुली इनलाइटन हो गए, फुली लर्न बन गए थे, इनको सब कुछ पता चल गया था। उसको बोलते हैं बुद्धा और तथागत। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में।
सारनाथ में अपने 5 डिसिपल्स को इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। ठीक है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनका फर्स्ट सर्मन कहाँ डिलीवर किया था, सारनाथ में दिया था, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। फर्स्ट सर्मन को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या था, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उसके बाद जब 80 ईयर्स के थे तो इनकी डेथ हो गई थी 483 BC में। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। जो इनकी डेथ थी उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, मतलब कि फाइनल ब्लोइंग आउट। फिर इनकी कुछ चीज़ें थी जिनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि बुद्धास हॉर्स, इनके हॉर्स का क्या नाम था, कंत का। इनके चैरेट का क्या नाम था, चन्ना। इनकी कजन का नाम था देवदत्ता। फिर एक सुजाता थी, सुजाता कौन थी, एक फार्मर के बेटी थी जिन्होंने इसको, इनको बोधगया में राइस और मिल्क दिए थे, तो उसका नाम था सुजाता। गौतम बुद्ध के अपने भी बहुत सारे नेम थे, जैसे कि गौतम था, सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम शाक्या मुनि था, तो इनके भी अलग अलग नाम थे। फिर आते हैं ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ और उनके सिंबल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जन्म मीन्स बर्थ, इसका सिंबल है लोटस एंड बुल। सेकंड आता है महाभिनिष्कर्मा, जिसको बोलते हैं रिनंसिएशन, इसका सिंबल है हॉर्स। थर्ड आता है निर्वाणा, संबोधनी, जिसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट, इसका सिंबल है बोधि ट्री। फोर्थ आता है धर्मचक्र प्रवर्तन, जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था, उसका सिंबल है व्हील। लास्ट है डेथ का महापरिनिर्वाणा, और इसका सिंबल क्या है, स्तूपा। तो एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के मेन 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। कौन कौन से 4 नोबल ट्रूथ्स हैं? फर्स्ट है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी दुखों से भरी हुई है। सेकंड है देयर आर कॉज ऑफ सॉरो, इन दुखों का भी कारण है, क्या कारण है, डिजायर्स। दीज सॉरोज कैन बी स्टॉप्ड, इनको रोका जा सकता है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सॉरो, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सौरव को हटा सकते हैं, क्या है, सब कुछ छोड़ दो, तो वो क्या है, सौरव को हटाने का एक रास्ता, दुखों को दूर करने का एक रास्ता। अब सौरव का मेन कॉज क्या था, डिजायर्स, इच्छाएं ही हमारी दुख का कारण बनती है। अब लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, हमारी जिंदगी का एम क्या है, हमारी जिंदगी का एम है निर्वाणा अटेन करना, मतलब कि मरना। अल्टीमेटली मरना होता है, जिसने भी जो भी बंदा दुनिया में आया उसने लास्ट में जाकर मरना ही है, जिंदगी में कुछ मर्जी कर ले। तो अल्टीमेट एम लाइफ का क्या है, टू अटेन निर्वाणा, जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति पाना हमारा अल्टीमेट एम है। उसके बाद इन्होंने फोल्ड पाथ दिया था, कौन कौन सा था, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। मींस के ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, के हमेशा पॉजिटिव रहो, जो भी देखना है सही तरीके से देखो। और नेक्स्ट इनका क्या था, मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ दो, ना तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट्स लग्जरी वाली लाइफ जियो, और ना ही सीवियर एस्टिसिज्म में आओ कि बहुत बिल्कुल ही साधु बन जाओ, कुछ खाना पीना नहीं है, जंगलों में बैठकर बस दिन रात भगवान की पूजा करी जाओ, भक्ति करी जाओ, ऐसी ज़िंदगी भी नहीं जीनी, और ना ही बहुत ज़्यादा कम्फर्ट्स लग्जरी वाली लाइफ जीनी है, नॉर्मल सी लाइफ जियो, बीच बीच वाली, कि चलो एस्टिसिज्म भी ज़रूरी है, साधु भी बनो, बट साथ में घर गृहस्थ भी संभालो, दोनों काम ही जिंदगी में जरूरी है। फिर आते हैं ट्राइरत्नास, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, कौन कौन से है, बुद्धा द इनलाइटेंड, धर्म डॉक्ट्रिन एंड संगा द कम्युन। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट हम करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड सेट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।